नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल इजी टू लर्न बाई जितेंद्र सर में स्वागत है। तो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए JIB अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पेपर 2 के यूनिट 4 को। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है दोस्तों। अब ये समझ लीजिए कि इसमें हर साल क्वेश्चन आते ही है, एटलीस्ट 2 नंबर का सवाल तो हर साल कंपलसरी आ रहा है दोस्तों। और उसके बाद अगर इसमें से एक केस स्टडी दे दिया तो 5 नंबर का सवाल हो जाता है दोस्तों। तो आप ये समझ के समझ लीजिए कि आप का 2 क्वेश्चन इसमें से पूरा पक्का है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और हमें पूरा श्योरिटी है दोस्तों कि इस साल भी डिप्रिसिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। इजी होता है दोस्तों, आप कर सकते हैं। तो चलें इस पे आगे बढ़ते हैं। तो डिप्रिसिएशन होता क्या है दोस्तों? सबसे पहले डिप्रिसिएशन होता है, जैसे हम किसी मशीनरी मोटरसाइकिल ले लें। अभी अपना मोटरसाइकिल आपने खरीदा, नया था, चल रहा था दोस्तों, 2-4 महीने 1 साल तक इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आया, पेट्रोल भरे और गाड़ी चलती रही। 1 साल के बाद दोस्तों इसमें क्या हुआ, कुछ खटपट होने लग गया, एक नट गिर गया। अब आप उसको जाएंगे और नया नट इसमें लगवाएंगे दोस्तों। तो आपका ये जो 10 रुपये का एक नट गिरा, ये आपका लॉस हुआ। तो इसी को डिप्रिसिएशन कर सकते हैं दोस्तों। या नई मोटरसाइकिल लिए हैं दोस्तों, वो मान लिया 80,000 का है, 2 साल बाद जब उसको हम बेचने जाएंगे तो क्या वो 80,000 का मिलेगा दोस्तों? नहीं। तो जो हमें 80,000 की बाइक मिली थी दोस्तों, अब वो 1 साल बाद हो सकता है 60,000 का उसका रेट मिले अगर बेचने पे। तो ये जो 20,000 का लॉस हुआ दोस्तों, इसी को हम लोग डिप्रिसिएशन कहेंगे दोस्तों। या जो वियर टीयर हुआ है उसको कहेंगे दोस्तों। तो अब या उसका इन्फ्लेशन रेट से उसका कम हो गया, उसको भी डिप्रिसिएशन कहेंगे दोस्तों। तो इसी को डिप्रिसिएशन कहते हैं। और इसके कैलकुलेशन को, अकाउंटिंग को हम लोग यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। तो डिप्रिसिएशन कई तरह के होते हैं, हम आगे डिस्कस करते हैं दोस्तों। अब इस चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग, काजेस, नीड, फैक्टर, अकाउंटिंग कैसे किया जाता है और डिफरेंट मेथड क्या हैं डिप्रिसिएशन के, ठीक है दोस्तों। टाइम कम है दोस्तों, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, हम लोग डिप्रिसिएशन की मीनिंग को समझें, उसकी आवश्यकता को समझें और कैसे डिप्रिसिएशन किया जाता है, क्या क्या मेथड है उसको समझें दोस्तों। तो हम देखते हैं डिप्रिसिएशन की मीनिंग। डिप्रिसिएशन इज ए चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द फॉल इन वैल्यू ऑफ एन असेट ड्यूरिंग ईच ईयर ऑफ इट्स यूज। तो दोस्तों देखें, उनका जो वैल्यू है, जो भी चीज़ था उसका वैल्यू जो फॉल हुआ है यूज करने के कारण, जो वैल्यू घटा है उसको किस ढंग से कैलकुलेट करते हैं, ये क्योंकि वो सेम वैल्यू तो रहेगा नहीं दोस्तों। तो इसीलिए इसको डिप्रिसिएशन के डिफिनीशन में बताया गया है कि डिप्रिसिएशन इज ए चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था उसमें डेबिट किया जाता है दोस्तों। अब देखें, डिप्रिसिएशन जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट है दोस्तों, इन्होंने डिप्रिसिएशन की डिफिनीशन दिया है। डिप्रिसिएशन रिप्रेजेंट्स दैट पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए फिक्स एसेट टू इट्स ओनर व्हिच इज नॉट रिकवरेबल व्हेन द एसेट इज फाइनली पुट आउट ऑफ यूज बाय हिम। मतलब अगर हम उसको यूज से बाहर कर रहे हैं तो उसका जो ओरिजिनल कॉस्ट था वो हमको तो वापस मिलेगा नहीं। तो जो ये डिफरेंस आया दोस्तों, इसी को हम लोग डिप्रिसिएशन कहते हैं।
प्रोविजन अगेंस्ट दिस लॉस ऑफ कैपिटल। अब इसके जो लॉस हुआ कैपिटल का, उसके अगेंस्ट कुछ प्रोविजन किया जाता है। इज एन इनिशियल कॉस्ट ऑफ ए कंडक्टिंग द बिजनेस ड्यूरिंग द इफेक्टिव कमर्शियल लाइफ ऑफ द एसेट एंड इज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न। ये नहीं होता कितना प्रॉफिट अर्न किया दोस्तों, इस पर डिपेंड नहीं करता। अब आता, अब जो ऊपर डिफिनीशन दिया गया उसके आधार पर हम लोग इस डिसीजन पहुंचते हैं कि डिप्रिसिएशन इज ए पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग कास्ट। तो जो डिप्रिसिएशन हुआ दोस्तों वो पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग कास्ट में गिना जाता है दोस्तों। इट इज़ ए रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ द एसेट। तो जो भी हमारा एसेट का वैल्यू था, इनिशियल वैल्यू मान ले 1 लाख था, तो यूज के बाद उसका हो सकता है 10 ही हज़ार बचे, तो हमारे एसेट के वैल्यू में रिडक्शन आ जाता है दोस्तों। तीसरा दोस्तों, डिसीजन इन द वैल्यू सॉरी डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज ड्यू टू इट्स यूज। देखें अब होता किस लिए है, डिक्रीज क्यों हुआ वैल्यू, ड्यू टू इट्स यूज कॉज्ड बाय वियर एंड टियर और बाय अदर रीजन, या किसी और रीजन से हो सकता है। तीसरा चौथा दोस्तों, द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूस। अब जो डिक्रीज ऑफ वैल्यू हो रहा है दोस्तों या वियर टियर हो रहा है, ये तो धीरे 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 होता ही रहता है, कब तक, जब तक वो सामान यूज में लाया जा रहा था। अब ये काजेस क्या क्या है डिप्रिसिएशन के, काजेस द मेन काजेज ऑफ डिप्रिसिएशन आर वियर एंड टियर ड्यू टू एक्चुअल यूज। कोई भी मशीनरी है दोस्तों, उसमें जब चलती रहती है तो कुछ ना कुछ वियर एंड टियर होगा, उसमें कुछ ना कुछ रिपेयर किया जाएगा दोस्तों, उसके कारण जो लॉसेज होते हैं उसको हम वियर एंड टियर। उसके बाद आता है दोस्तों टाइम। मान लिया कुछ चीज़ें आज के डेट में इतना है, कुछ है मान लिया, उसके थोड़े दिन बाद उसका 1 साल बाद 2 साल बाद डिफरेंस हो जाएगा। जैसे कार ही ले ले दोस्तों, आप नई कार लेके केवल खड़ी कर दें, कुछ करना नहीं, खड़ी कर दें दोस्तों, कुछ दिन के बाद वो पुरानी आपको दिखने लगेगी, तो आप फिर उसको बेचना चाहेंगे तो नहीं बिक पाएगी उतने में दोस्तों। तो ये टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है, ये भी एक काज है। उसके बाद आता है तीसरा दोस्तों ऑब्सोलेंस, मतलब कुछ दिन नई चीज़ें आने के बाद दोस्तों नया इन्वेंशन होना शुरू हो जाता है, और जब नई चीज़ें आ जाती हैं तो आप पुरानी चीज़ों को लाइक करना यूज़ करना छोड़ देते हैं, तो इसके लिए भी डिप्रिसिएशन होता रहता है दोस्तों। फिर आता है दोस्तों एक्सीडेंट, जितने भी मूवेबल और फिक्स्ड मशीनरीज वगैरह हैं दोस्तों, इसमें क्या होता है, ऐसा तो है ना एक परमानेंट चल रहा है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, इसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और जब एक्सीडेंट होने के चांसेस रहता है दोस्तों तो हमारा जो कैपिटल है उसमें डिप्रिसिएशन होने लगता है दोस्तों। अगला है फॉल इन मार्केट प्राइस। फॉल इन मार्केट प्राइस दोस्तों, नया चीज़ आ गया, नई चीज़ें बनने लग गई तो उसका ज़्यादा डिमांड हो जाता है और इन पुरानी चीज़ों का कम डिमांड होता है, इसलिए मार्केट में इसका प्राइस लॉस हो जाता है। मनली इन फ्यू केसेस डू असेट अप्रिसिएट, जैसे कुछ चीज़ों में जो हमारा असेट है उसका अप्रिसिएशन भी होता है, न कि हमेशा डिप्रिसिएशन होता है। और वो चीज़ें हैं लैंड एंड ओल्ड पेंटिंग में गो अप इन वैल्यू। ओल्ड पेंटिंग, जो पेंटिंग वगैरह बेचते हैं दोस्तों, आज पता चला कि ऑक्शन हो रहा है एक पेंटिंग का 1 करोड़ रुपए, 10 साल बाद उसी पेंटिंग का देखेंगे तो लोग 15 करोड़ देने लगते हैं दोस्तों। तो लैंड में एंड ओल्ड पेंटिंग वगैरह में दोस्तों डिप्रिसिएशन नहीं होता, अप्रिसिएशन होता है, ठीक है दोस्तों, ये भी ध्यान देने वाली बात है। अब आगे देखते हैं इसकी ज़रूरत क्यों हुई दोस्तों, डिप्रिसिएशन की ज़रूरत ही क्या है भाई, मत लो और मत करो डिप्रिसिएशन, खरीदो और यूज़ करो फेंक दो, नहीं दोस्तों डिप्रिसिएशन की ज़रूरत है क्योंकि आपको कंटिन्यूस बिजनेस रन करना है या आपका जो लाइफ है उसको अच्छे से चलाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए डिप्रिसिएशन की ज़रूरत होती है दोस्तों। अब आता है क्यों, तो इसमें है टू नो द करेक्ट प्रॉफिट। जब कोई बिजनेस चल रहा है दोस्तों तो उसमें एग्जैक्ट कितना प्रॉफिट हुआ इसको जानने के लिए
डिप्रिसिएशन जरूरी है दोस्तों, क्योंकि मान लीजिए आपने एक शॉप खरीद खोल दिया, नया शॉप खोला दोस्तों, तो अब नए शॉप में ऐसा तो नहीं है कि आपको 10,000 रुपीज़ प्रॉफिट होने लगा मंथली और वो सारा प्रॉफिट आप रख लिए। उसमें होगा शॉप का कुछ रेंट देना होगा, उसमें लाइट का चार्ज देना होगा, वाटर चार्ज देना होगा, आप जहाँ पे खरीदे होंगे उसका कुछ रेवेन्यू वालों का टैक्स देना होगा दोस्तों। तो आपका ये सब देने के बाद जो प्रॉफिट बचा वही एक्चुअल प्रॉफिट है दोस्तों। तो इसको जानने के लिए भी हमें डिप्रिसिएशन की ज़रूरत पड़ती है, टू नो द करेक्ट प्रॉफिट। अदरवाइज लोग ऐसे ही बोल देंगे भाई हमें इतना प्रॉफिट हुआ था, लेकिन उनको ये नहीं पता है भैया इतना तो आपका मेंटेनेंस में चला गया। अगला है दोस्तों, टू शो द करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन। अब जब आपको एग्जैक्ट प्रॉफिट पता चलेगा दोस्तों, तभी आपका बैलेंस शीट में करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगा दोस्तों। तो करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए भी हमें डिप्रिसिएशन की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। तीसरा है दोस्तों, तीसरा है टू मेक प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ असेट। अब नई कार लिए थे दोस्तों, आपने यूज़ किया, 10 लाख रुपए लगा के नया कार लिए, अब धीरे धीरे उस कार की कंडीशन ख़राब होती जा रही, 5 साल 10 साल बाद आपने सोचा अब नया कार लेना है दोस्तों, अब उस समय आपके पास उतना फंड नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर आप या तो फिर पैदल चलना शुरू कर रहे हैं। तो उससे अच्छा है दोस्तों कि आप हर साल कुछ न कुछ पैसे 1-1 लाख रुपए बचाते जाएं, क्योंकि जब ये नया कार आप जो है बाहर करेंगे तो पुराना कार जब बाहर करेंगे नया कार खरीदना पड़ेगा, तो धीरे धीरे 1-1 लाख रुपए आप इकट्ठा किए रहेंगे दोस्तों, तो आपको 10 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएगा और इजीली कार को खरीद सकते हैं। तो रिप्लेसमेंट करने के लिए भी डिप्रिसिएशन की ज़रूरत होती है दोस्तों। तो ये तीन चीज़ें हो गई, पहला हो गया टू नो द करेक्ट प्रॉफिट, टू शो द करेक्ट फाइनेंशियल पोजिशन एंड टू मेक प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ असेट। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आता भी है एग्जाम में। तो कॉजेस क्या हो गए, वियर एंड टियर, इफ्लेक्स ऑफ टाइम एंड ऑब्सोलेंस, एक्सीडेंट, फॉल इन मार्केट, ये कॉजेज हो गए। और नीड क्या हो गया, टू नो द करेक्ट प्रॉफिट, टू शो करेक्ट फाइनेंशियल पोजिशन एंड टू मेक प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ असेट। ठीक है दोस्तों, तो अब आता है दोस्तों फैक्टर ऑफ डिप्रिसिएशन, क्या क्या फैक्टर हैं जो डिप्रिसिएशन को इफेक्ट करते हैं दोस्तों। तो पहला फैक्टर है कॉस्ट ऑफ द असेट, जो असेट का कॉस्ट है कितने का वो सामान था दोस्तों उसके ऊपर ये डिपेंड करता है दोस्तों। एस्टिमेटेड रिड्यूजुअल आर स्क्रैप वैल्यू ऑफ एंड ऑफ द लाइफ, अब जो भी चीज़ें थी आप यूज़ कर रहे थे, मान लिया कि वो अब उसको एकदम ख़राब कंडीशन में आ गया दोस्तों, तो उसको आप बेचेंगे तो उस लास्ट टाइम में आपको कितना उससे अर्न हुआ। मान लो 1 लाख का सामान था और जब आपने यूज़ कर लिया ख़राब हो गया तो उसको बेचने गए तो आपको 10,000 मिल रहे, तो इसी को बोलते हैं दोस्तों एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, जब स्क्रैप में देने जाएंगे तो आपको कितना मिलेगा। और तीसरा होता है दोस्तों एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ईयर ऑफ इट्स कमर्शियल लाइफ, उसको कितने साल के लिए आपने उसको यूज़ किया है या कितने साल के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये तीन फैक्टर हैं मेन दोस्तों। अब आता है ये जो डिप्रिसिएशन है इसका अकाउंटिंग कैसे किया जाता है दोस्तों, तो इसको देख लेते हैं। अकाउंटिंग एंट्री टू बी मेड ऑन अकाउंट ऑफ प्रोविजन प्रोवाइड डिप्रिसिएशन। अब देखें जो डिप्रिसिएशन अकाउंट है दोस्तों उसको हम लोग डेबिट करेंगे और जो प्रॉफिट लॉस है उसको डेबिट कर सकते हैं और क्रेडिट कर देते हैं प्रोविजनिंग अकाउंट को, जो आपने प्रोविजनिंग किया है उस अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं दोस्तों। और ये जो प्रोविजनिंग अकाउंट है ये आपके बैलेंस शीट में दिखता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब ये जो प्रोविजनिंग है दोस्तों, डिप्रिसिएशन है मेथड, इसके क्या क्या हैं, तो यहाँ पे हम लोग JIB में 3 मेथड पढ़ेंगे दोस्तों, जिसमें है एक तो स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, तीसरा सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। अब इसको दोस्तों अलग अलग तरह से भी बोलते हैं, फिक्स्ड परसेंटेज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट,
और स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा बोलते हैं फिक्स परसेंटेज ऑन डिमिनाइजिंग बैलेंस और रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। तो इन दोनों में एक स्ट्रेट लाइन है सर, और दूसरा है रिटर्न डाउन, और तीसरा है सम ऑफ ईयर। तीन मेथड हम लोग यहाँ यूज करेंगे दोस्तों, बहुत ही ईजी है और आप लोग एग्ज़ाम में इसको ज़रूर करेंगे। अब स्ट्रेट डाउन मेथड में क्या होता है दोस्तों, दिस इज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द डेप्रिसिएशन ऑफ असेट व्हिच अज्यूम्स दैट द असेट विल लॉस एन इक्वल अमाउंट ऑफ वैल्यू ईच ईयर। देखें दोस्तों, इस पे ध्यान दें, हम अज्यूम करते हैं कि जो असेट है, मान लो 50,000 का कोई असेट था, तो हमने ये अज्यूम कर लिया 5 साल इसकी लाइफ है, तो 10,000 रुपये भैया इसका हर साल डिप्रिसिएशन कर देंगे कि 10 साल आज कम हुआ, इस साल 10,000 अगले साल कम होगा, 10,000 अगले साल कम होगा, सीधे सीधे कि इतना परसेंट हर साल इसका रिड्यूस होगा दोस्तों। तो यही देखें, द असेट विल लॉस इन इक्वल अमाउंट ऑफ वैल्यू ईच ईयर, ठीक है दोस्तों। द एनुअल डिप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड बाई, कैसे कैलकुलेट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग द साल्वेज, सब्ट्रैक्टिंग द साल्वेज वैल्यू ऑफ द असेट फ्रॉम द परचेज प्राइस एंड देन डिवाइड दिस नंबर बाई एस्टिमेटेड एक्चुअल यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट। तो जो भी उसका साल्वेज वैल्यू था दोस्तों, लास्ट में जब हम उस सामान को बेचेंगे तो जो आता है उतना परचेज प्राइस में से घटा देंगे। मान लो 1 लाख का सामान आया, 10,000 उसका साल्वेज वैल्यू है, तो 1 लाख माइनस 10,000 मतलब 90,000 उसका दोस्तों वैल्यू हुआ फॉर डिप्रिसिएशन। अब इसमें बोल रहा है कि इक्वल अमाउंट डिप्रिसिएट करना है, तो मान लिया दोस्तों 5 साल में इसको डिप्रिसिएशन करना है, तो 5 से भाग दे देंगे, तो जो आएगा दोस्तों वही उसका पर ईयर डिप्रिसिएशन होगा, और ये हर साल इक्वल रहता है दोस्तों, ठीक है। अब इसको हम फार्मूले के तरह से इस तरह से देखते हैं, द अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ एवरी ईयर इज अराइव एट एज अंडर, कैसे करते हैं, डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ असेट, मतलब कितने में हम असेट को खरीदे थे और उसका जब लास्ट में यूज़ करने के बाद जब हम कहीं उसको स्क्रैप में बेचेंगे तो कितना मिलेगा, उसमें से माइनस कर दिया दोस्तों। उसके बाद इस्टीमेटेड लाइफ ऑफ द असेट, मतलब कितने साल तक आपने उसको यूज़ करना है, उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें इक्वली डिप्रिसिएशन ईच ईयर का पता चल जाएगा दोस्तों। अब इसको हम लोग देख लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल है दोस्तों उसके द्वारा। ए पटेल ट्रांसपोर्ट एक्वायर ट्रक, 1 अगस्त 2010 को इन्होंने 1 अगस्त 2010 को एक ट्रक खरीदा था, कास्ट 4 लाख रुपये, 4 लाख रुपये दोस्तों। अब द फर्स्ट फर्म राइट ऑफ डिप्रिसिएशन है 10%, 10% पे इसको डिप्रिसिएशन करना है, किस पे, ओरिजिनल कास्ट पे। द बुक वैल्यू, द बुक आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, मतलब 31 मार्च को उनका क्लोजिंग होता है, तो ईच ईयर सो द ट्रक अकाउंट एंड डिप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 3 ईयर, 3 साल के लिए उनका एक डिप्रिसिएशन अकाउंट और जो ट्रक का अकाउंट है उसका पूरा डिटेल देना है दोस्तों। तो देखें हम लोग आगे देखते हैं इसको, सबसे पहले हम लोग ट्रक अकाउंट देखते हैं दोस्तों। अब देखें इसमें क्या था, 1-10-2010 को हमने ट्रक खरीदा दोस्तों, कितना रुपए देखें, 4 लाख रुपए देखें, तो उनका टोटल हो गया 4 लाख रुपए। अब फाइनेंशियल ईयर कब आएगा, 31-3-2011, अब इस डेट को डिप्रिसिएशन होगा दोस्तों। अब यहाँ से 10 से 31-3-11 तक कितने महीने हुआ, 6 मंथ हुआ दोस्तों, 6 मंथ हुआ है। तो अब इस 6 मंथ में हमारे पास, अब इस 6 मंथ में हमारे पास डिप्रिसिएशन कितना होता है, 10% डिप्रिसिएशन था, तो अब 4 लाख का 10% कितना है दोस्तों, 40,000, 4 लाख का 10% 40,000 है, लेकिन 6 मंथ का तो 20,000 होगा, तो 20,000 जब हमने डिप्रिसिएशन कर दिया तो बचा कितना दोस्तों, 380 बचा। अब दोनों को जोड़ दिया तो 4 हो गया, और ये भी 4 लाख हो गया। तो अब 31-3-2011 को जो हमारे इसका वैल्यू था 20,000 घट के हो गया 3,80,000 दोस्तों, लेकिन अब 1-4 को इसका वैल्यू क्या होगा,
380,000 होगा दोस्तों। अब 380 ते टू 380 हुआ। उसके बाद अब देखें 1/4/2011 था, अब इसका फाइनेंशियल ईयर कब है 31/3/2012 यहाँ आए। अब यहाँ पे डिप्रिसिएशन होगा दोस्तों, लाइन मेथड है, हर साल 40,000 होना है दोस्तों। तो 380,000 में 40,000 निकाल दिया, 40,000 निकाल दिया क्योंकि डिप्रिसिएशन होगा, तो अब बच गया 340,000 दोस्तों। इसी तरह से इस साल के इनिशियल में 340,000 इसका वैल्यू हुआ, और फिर अगले साल भी हम 40,000 डिप्रिसिएशन निकाल देंगे। ये 40,000 क्यों हो रहा है दोस्तों, क्योंकि पहले ही बोल दिया स्ट्रेट लाइन मेथड में 10% 4,00,000 का 10% 40,000 होता है दोस्तों। तो अब इसका देखें लास्ट में क्या बचा, 340,000 इसका वैल्यू बचा उस ट्रक का, ठीक है दोस्तों। अब इसको डिप्रिसिएशन वाले अकाउंट में देख लेते हैं क्या हुआ। डिप्रिसिएशन वाले अकाउंट में हुआ दोस्तों 31/3/2011 को हमने 20,000 डिप्रिसिएशन किया था, और फिर 31/3/2012 को 40,000 किया है, 31/3/2013 40,000 किया दोस्तों। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा दोस्तों, या तो डेबिट किया जाएगा, तो इतना इसने ये कर दिया। तो ये रहा उसका डिप्रिसिएशन अकाउंट का डिटेल दोस्तों। अब आता है डिक्लाइनिंग बैलेंस और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इसको WDV मेथड भी कहते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों, दिस इज अ डिप्रिसिएशन मेथड इन विच द परसेंटेज रेट इज अप्लाइड टू द रिड्यूजुअल बैलेंस। जो हमारा रिड्यूजुअल बैलेंस रहेगा ईच ईयर का दोस्तों, उस पे परसेंटेज लगाया जाएगा, डिप्रिसिएशन का जो परसेंटेज है लगाया जाएगा। स्ट्रेट लाइन में क्या था, इनिशियल में ही उसका परसेंट लगा के हर साल इक्वल अमाउंट में डिप्रिसिएट करते, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें मान लो दोस्तों 1,00,000 रुपये था, उस पर 10% एक साल डिप्रिसिएशन लिया तो 90,000 बचा, फिर 90,000 का 10% 9,000 होगा, मतलब डिफरेंस आता जाएगा हर साल डिप्रिसिएशन, मतलब डिप्रिसिएशन हर साल इसका कम होता जाएगा दोस्तों। तो अब देखें रिकॉल दैट द स्ट्रेट लाइन मेथड अज्यूम ए कॉन्स्टेंट डिप्रिसिएशन, ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं। कन्वर्सली द डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड अज्यूम अ कॉन्स्टेंट डिप्रिसिएशन रेट पर ईयर, यहाँ रेट पर ईयर जो है वो कॉन्स्टेंट रहेगा, किस पे, रिड्यूजुअल वैल्यू पर, और जो रिड्यूजुअल वैल्यू जब कम होता जाएगा तो आपका डिप्रिसिएशन भी कम होता जाएगा, ठीक है दोस्तों। दस द चार्ज ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज हायर इन इनिशियल ईयर, मतलब शुरू के समय में ज़्यादा रहेगा लेकिन धीरे धीरे ये कम होता जाएगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों देखो, एनुअल डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू प्रीवियस ईयर वैल्यू इनटू परसेंटेज रेट, कितना आपका डिप्रिसिएशन कितने परसेंट हो रहा है वो कर देंगे दोस्तों, तो हमें डिप्रिसिएशन पता चल जाएगा। इसको बोलते हैं WDV मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है दोस्तों। अब देखें एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग देखते हैं, इफ़ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एन असेट 20,000 रुपये है, द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 20% है, तो फॉलोइंग टेबल, हाँ तो अब नीचे देखें 20,000 था दोस्तों, अब इसका लाइफ है 5 साल, 5 साल का लाइफ है, तो कैसे करते हैं। अब देखें 20,000 पे हमने पहले 5 साल का ये किया तो हमें मिल गया 4,000 डिप्रिसिएशन हो गया, तो अब 4,000 माइनस करेंगे तो 16,000 आ गया। अब देखें सर रिड्यूजुअल क्या था, पहले 20 था, अब 16, अब 16 पे करेंगे तो ये आ गया। इसी तरह से रिड्यूजुअल हम लोग करते जाते हैं और डिप्रिसिएशन निकालते जाते हैं दोस्तों। अब उसी क्वेश्चन को जो पहले था उसी के लोग इस पर किए हैं, ऐसे जैसे 4,00,000 था तो अब इस पर 10% डिप्रिसिएशन निकाले 6 महीने का, तो 20,000 हुआ, तो बचा 380। अब 380 पे ये लोग देखें, 380 है, 380 पे निकालेंगे, अब इसमें 10%, 380 का 10% क्या होगा, 38,000। ये देखें दोस्तों, पहले इसमें 40,000 था 10%, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन मेथड था, और इसमें क्या है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में 10% जो रिड्यूजुअल वैल्यू 38,380,000 है उसको किए। इसी तरह से देखें, अब यहाँ 342,000 है, अब 342,000 का 10% निकालेंगे तो देखें 34,200, ये देखें 34,200 आया दोस्तों, इसीलिए इसको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कहते हैं दोस्तों। छोटा सा डिफरेंस है, और आप इसको इजीली जब क्वेश्चन देगा तो उसमें मेंशन किया रहेगा
कैलकुलेट डिप्रिसिएशन बाय स्ट्रेट लाइन मेथड या WDV मेथड, ये दिया रहेगा दोस्तों। बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं और इजीली आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो दोस्तों। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। एडवांटेज क्या है दोस्तों, इट इज़ ए सिंपल मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डिप्रिसिएशन। अब स्ट्रेट लाइन मेथड में तो कोई ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं दोस्तों, जितना है जितने साल का वैल्यू है सालवेज निकाल दिए, डिवीजन कर दिए, तो स्ट्रेट लाइन मेथड से उसका कैलकुलेशन हो जाएगा। उसके बाद आया इजी, इट इज़ इजी टू अंडरस्टैंड एज देयर इज़ नो वेरिएशन इन द अमाउंट डिप्रिसिएशन। उसमें डिप्रिसिएशन सेम अमाउंट होता है तो कोई वेरिएशन नहीं होता। डिसएडवांटेज क्या है, द डिप्रिसिएशन इज इक्वल फॉर ऑल द ईयर। आप बताएं हर साल बराबर डिप्रिसिएशन किया जा रहा है, जो कि सही नहीं है, क्योंकि शुरू के दिन में खर्चे कम आते हैं, वेयर टियर कम होता है, तो शुरू के दिनों में डिप्रिसिएशन कम होता है और लास्ट के टाइम में ज़्यादा होता है, जबकि यहाँ पे हर साल बराबर दिया जाता है, इसलिए यह इसका डिसएडवांटेज हो गया। अब देखें एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन के देखें एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में, दिस मेथड इज रिकॉग्नाइज अंडर इनकम टैक्स एक्ट। पहली बात तो ये इनकम टैक्स के एक्ट के अंदर रिकॉग्नाइज है। द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ रिपेयर एंड रिन्यूअल एंड डिप्रिसिएशन ऑन असेट आर इक्वल इन ऑल द ईयर। जो एक्सपेंडिचर होता है परसेंटेज के हिसाब से इक्वल रहता है दोस्तों। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है दोस्तों, द असेट कैन नेवर बी रिड्यूस टू जीरो। इसमें कभी जीरो नहीं होता असेट, जबकि उसमें जीरो हो जाता है दोस्तों। हमेशा दो रुपए है, दो रुपए का भी 10% करेंगे आप तो भी कुछ ना कुछ आएगा, एक रुपए बचा उसका भी कुछ ना कुछ आएगा, तो इसमें जीरो नहीं हो पाता दोस्तों और स्ट्रेट लाइन में जीरो हो जाता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एज देयर इज वेरिएशन इन डिप्रिसिएशन चार्जेज फ्रॉम ईयर टू ईयर। हर साल इसका बदलता रहता है डिप्रिसिएशन, तो इसको अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है दोस्तों। अब तीसरा होता है सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड टू कैलकुलेट डिप्रिसिएशन चार्जेज यूजिंग द सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। टेक द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ एन असेट इन ईयर, जो भी उसका एक्सपेक्टेड लाइफ है दोस्तों उसको ले लेते हैं और काउंट बैक टू वन एंड ऐड द फिगर टुगेदर। अब इन सबको हम लोग जोड़ देते हैं दोस्तों। अब जैसे इसका एग्जांपल के द्वारा समझें सर, इसमें 10 ईयर यूजफुल लाइफ थी, तो अब हम 1 to 10 को ऐड कर देंगे, 10, 9, 8, 7 ये सब कर दिया तो आ गया 55। ये इसका सम ऑफ ईयर हो गया। ठीक है दोस्तों, 5 साल है तो 5 + 4 + 3 = 1, 6 ईयर है उसका लाइफ तो 6 + 5 + 4 + इसी तरह से उसको ऐड करके सम ऑफ ईयर निकाल लेते हैं दोस्तों। ठीक है, अब जो फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन है दोस्तों, अब इसका देखें, जो ये पहला फ्रैक्शन, अब ये हो जाए आपका टोटल और ये पहले साल का हो गया। मतलब थोड़ा सा उल्टा दिमाग में कंसेप्ट बैठा लें कि जब हम सम ऑफ ईयर करते हैं, जो लास्ट ईयर मतलब 10वां साल है वो उसका रेशियो पहले साल डिप्रिसिएट होगा, तो 10/55, 9/55, 8/55, तो ये थोड़ा सा रिवर्स चलता है दोस्तों। कंसेप्ट को क्लियर कर लें, जब हम लोग सम ऑफ ईयर करते हैं दोस्तों तो पूरे साल को जोड़ते हैं जब तक है, लेकिन वैल्यू कैसे रखते हैं, लास्ट वाले से शुरू करते हैं, 10, 9, 8, 5 साल है 5, 4, 3, 2, 1। अब डिप्रिसिएशन कैसे होगा, ये जो हाईएस्ट ईयर था 5 ईयर था, इसका रेशियो पहले साल डिप्रिसिएट होगा और जो लोएस्ट था 1 था, इसका रेशियो लास्ट साल डिप्रिसिएट होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखें हमें लग रहा है समझ में आया होगा, एग्जांपल्स देखें, 5000 कंप्यूटर, 2200 सालवेज, 3 ईयर उसका यूजफुल लाइफ, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 5000 में से सालवेज वैल्यू निकाल देंगे, 4800 हो गया दोस्तों। 3 साल उसका यूजफुल लाइफ था तो हम यूजफुल लाइफ को ईयर सम कर दिए, कितना हो गया 3, 2, 1, 6 आ गया। अब पहले साल के लिए डिप्रिसिएशन क्या होगा दोस्तों, ये मैक्सिमम साल का उसका रेशियो 3/6, मतलब 4800 का 3/6, ये है पहले साल का डिप्रिसिएशन दोस्तों। देखें 3/6 मतलब 50% पहले साल ही डिप्रिसिएट हो गया,
दूसरे साल के लिए दूसरा 2/6 और लास्ट ईयर के लिए 1/6। तो यह ईयर सम वैल्यू मेथड दोस्तों, ये भी बहुत ईजी है, बस कंसेप्ट आप अपने दिमाग में बैठा लें, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट एंड क्रिएशन ऑफ सिंकिंग फंड, ये हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे दोस्तों, फिर भी देख लेते हैं। जब हम किसी भी फिक्स एसेट को रिप्लेस करना होता है दोस्तों, तो एकाएक हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली बर्डन आ जाएगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हर साल कुछ न कुछ उसमें ऐड करते रहते हैं, सिंकिंग फंड बनाते हैं दोस्तों, कि हर साल भैया इस रेशियो में इसमें जमा करते जाओ, और जब ख़रीदना होगा तो आपके पास एक फ़ंड इकट्ठा हो जाएगा, जिससे आप इजीली उस जो असेट है, जो मशीनरी है, उसको बिना किसी बर्डन के रिप्लेस कर सकते हैं और आपका बिजनेस इजीली चलता रहता है दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, इस पर रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम अगले वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें दोस्तों, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे दोस्तों, और मैं आप लोगों के लिए एग्ज़ाम से रिलेटेड अच्छे अच्छे वीडियो डालता रहूँ। थैंक यू दोस्तों।